वेलकम बैक स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 5, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज. चैप्टर 8, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंजेस इन स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. Look around yourself, you will see doors, windows, books, boxes, tumblers, water bottles, pens and many other things. आप अपने चारों ओर देखते हो तो क्या देखते हो कि doors होती हैं, windows, books, boxes, tumblers, water bottles, pens and many other things. और कई सारी चीज़ें हम अपने चारों ओर देखते हैं. All these are made up of different materials, but they have one thing in common, that they all occupy space and have weight. ये सारी चीज़ें different different things से बनी होती हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ common होती है, सभी में समान होती है, वो है कि ये सभी स्थान घेरती हैं और इनमें वेट होता है, वजन होता है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वेट इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसमें वजन होता है वो मैटर कहलाती है. एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट substances in matter that can exist independently and cannot be seen with naked eyes. इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं, वो क्या है, मैटर कहलाती हैं. और ऑल मैटर, सभी जो मैटर हैं वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं. मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं जो इस मैटर में होते हैं, और ये मैटर के अंदर इंडिपेंडेंटली रहते हैं और इन्हें नेक्ड आईज से हम नहीं देख सकते हैं. द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. और इन मॉलिक्यूल्स, इन मैटर के, इस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है. ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग पिक्चर. इस पिक्चर में आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करो, सारी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे रखी हुई हैं उसे. इन द फिगर ऑन प्रीवियस पेज वी कैन सी बेड, विंडो, कंप्यूटर, बुक्स, टेबल एट्सेट्रा. दे ऑल आर मैटर. इवन वी आर ऑल्सो मैटर एज We also have weight and occupy space. इस previous space में जो figure था उसमें हमने क्या देखा था, bed, window, computer, books और table. ये सारी चीज़ें देखी थी. ये सभी क्या है, matter हैं. और हम भी matter हैं क्योंकि हम भी स्थान घेरते हैं और हमें भी वजन होता है. States of matter. There are three states of matter. Matter की three states होती हैं, वो कौन कौन सी है, solid, liquid and gas. Solids have a fixed shape and a definite volume. Solids can be held because the molecules in a solid are tightly packed. So solids have fixed shape and fixed volume. Solids में क्या होता है, solid means होता है ठोस. उसमें शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है एंड उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. सॉलिड जो होते हैं उन्हें हम पकड़ सकते हैं क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, एज यू कैन सी. तो ये क्या है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पास पास हैं और टाइटली पैक्ड हैं. तो इसकी वजह से सॉलिड जो होता है वो ठोस जो होता है उसे हम पकड़ सकते हैं, और उसका क्या होता है, फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है.
अब लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्सेड शेप बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एंड आर एबल टू मूव अराउंड. लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स मीन्स द्रव. लिक्विड में जो शेप होती है वो फिक्सेड नहीं होती है. क्यों? क्योंकि उनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनमें जो स्पेस होता है वो दूर दूर होता है, उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, इसकी वजह से उनमें एक फिक्सेड शेप नहीं होती है. और आर एबल टू मूव अराउंड, और वो कहीं भी मूव करने में एबल होते हैं. लिक्विड्स कैन बी पोर्ड इन टू अ कंटेनर. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड. सो लिक्विड्स हैव नो फिक्सड शेप एंड कैन बी पोर्ड, आई दे कैन फ्लो. लिक्विड को किसी भी कंटेनर में पोर कर देते हैं और वो उसी कंटेनर की शेप को वो उसी कंटेनर की शेप को ले लेता है. मतलब जिस कंटेनर में हम उस लिक्विड को रखेंगे उसी कंटेनर की शेप में वो लिक्विड आ जाएगा. तो इसलिए लिक्विड्स में ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है, और जिसमें हम किसी चीज़ में जब हम पोर कर सकते हैं उसे डाल सकते हैं तो और वो फ्लो कर सकता है. तो मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स क्या होते हैं? उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है. एज़ यू कैन सी इसमें क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये, जो कि काफ़ी दूर दूर है, इसकी वजह से लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती. और इसे हम पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इस ये काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं, और इन्हें जिस कंटेनर में हम डालते हैं ये उसी कंटेनर की शेप के हो जाते हैं, जबकि जो सॉलिड होते हैं उनकी अपनी फिक्स्ड शेप होती है. अब एक्टिविटी टाइम, टेक सम वाटर एंड वेरियस कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. नाउ पोर वाटर इनटू देम वन बाय वन. यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर एक्वायर्स द शेप ऑफ डिफरेंट कंटेनर्स. दस लिक्विड हैव नो शेप, नो फिक्स्ड शेप. आपको क्या करना है कि अलग अलग शेप के कंटेनर्स को लेना है, जैसे कि इस पिक्चर में लिए गए हैं, और फिर उनमें एक एक करके उनमें पानी को डालना है. तब आप देखोगे कि जिस कंटेनर में हम पानी डालेंगे वो पानी जो होगा वो उसी कंटेनर की शेप में आ जाएगा. तो इसलिए इससे क्या पता चलता है कि लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप. लिक्विड की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है. गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड, सो गैसेस कैन फ्लो इजीली. गैसेस हैव नो शेप और साइज ऑफ देयर ओन. जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि उनमें जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पे हैं, तो इस वजह से गैस जो है वो बहुत इजीली फ्लो कर सकती है. और गैस की ना तो कोई शेप होती है और ना ही उनका कोई साइज होता है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड. वे उसी कंटेनर की शेप को ले लेते हैं जो उसमें जिसमें उसे फिल किया जाता है. सो गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप और नो फिक्स्ड वॉल्यूम. इसलिए गैसेस का ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है. एयर हैज़ मैनी गैसेज इन दिस इन इट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा एट्सेट्रा. इसमें क्या है, एयर जो होती है उसमें कई सारी गैसेज होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि. चेंज इन स्टेट्स, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. These three states of matter generally interchangeable. Water जो होता है पानी वो matter की तीनों state में रह सकता है.
These three states of matter generally interchangeable, और ये जो थ्री स्टेट्स हैं मैटर की वो जनरली इंटरचेंजेबल होती है। मतलब कि पानी को हम जो वाटर है उसे हम गैस में भी चेंज कर सकते हैं और सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं, और फिर सॉलिड को गैस में और लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। व्हेन वी कीप वाटर लिक्विड स्टेट इन अ फ्रीजर, जब हम वाटर को मतलब कि लिक्विड स्टेट को फ्रीजर में रखते हैं, आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस इनटू आइस सॉलिड स्टेट। तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो आइस यानी कि सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। एंड ऑन हीटिंग आइस अगेन कन्वर्ट्स इनटू वाटर, और जब हम इसको हीट करते हैं, आइस को हीट करेंगे, तो वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, एक इंटरचेंजेबल है। इसमें क्या होता है कि वाटर ऑन कूलिंग पर वो आइस में चेंज हो जाता है, ऑन हीटिंग पर वो वाटर में चेंज हो जाता है। इसी तरह व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जब हम वाटर को हीट करते हैं मतलब लिक्विड स्टेट को जब हम हीट करेंगे, तो क्या होगा, वो वाटर वेपर मतलब गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। एंड ऑन कूलिंग वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर, और फिर उस गैस स्टेट को जब हम कूल करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर वाटर में यानी कि लिक्विड स्टेट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी। तो वाटर ऑन हीटिंग वाटर वेपर एंड वाटर वेपर ऑन कूलिंग इनटू वाटर। अब आगे का चैप्टर हम कल स्टडी करेंगे।